अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लुटिनो ऑफलाइन के ऊपर, इसकी पेयरिंग के ऊपर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखनी है। दोस्तों अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी टॉपिक समझ नहीं आएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो दोस्तों ये हैं आपके सामने लुटिनो ऑफलाइन फिशर और दूसरा है ग्रीन ऑफलाइन फिशर स्प्लिटिनो। तो दोस्तों दोनों ही फिशर हैं ये और ऑफलाइन में। दोस्तों अगर हम इन दोनों की पेयरिंग करवाते हैं तो दोस्तों हमको कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों चार तरीके के बच्चे देखने को मिलेंगे, उसका फोटो आपको सामने आता रहेगा। दोस्तों मान लीजिए हमने इसकी पेयरिंग कराई तो दोस्तों हमको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे लुटिनो फिशर ऑफलाइन, ठीक है, ये रेड आई में होंगे सारे। इसके अलावा दोस्तों हमको दूसरे बच्चे जो देखने को मिलेंगे वो होंगे डैक ऑफलाइन, यानी कि बॉडी बिल्कुल येलो होगी, हेड बिल्कुल रेड होगा, लेकिन आँखें उसकी ब्लैक होंगी। लेकिन दोस्तों वो होगा क्या, स्प्लिट इनो, यानी कि वो आगे अगर हम रेड आई से लगाएंगे तो वो भी अच्छे बच्चे निकालेगा। दोस्तों इसमें तीसरा बच्चा जो हमको देखने को मिलेगा, जैसा आपके सामने नज़र आ रहा है, इस तरीके का बच्चा आपको देखने को मिलेगा ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो। दोस्तों चौथे बर्ड के जो चांस हो सकते हैं वो हो सकते हैं पेस्टल ऑफलाइन फिशर के, क्योंकि दोस्तों अगर मेल या फीमेल में से किसी की भी पेरेंट्स अगर पेस्टल रहे होंगे तो दोस्तों इनके अंदर पेस्टल जीन ज़रूर आएगा। और ऐसा हो सकता है कि जब पेस्टल जीन माँ या बाप में से किसी एक में अगर होता है तो दोस्तों बच्चों के अंदर पेस्टल आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों, पेस्टल बर्ड ख़राब नहीं होता है, पेस्टल बर्ड भी एक अच्छी म्यूटेशन है अगर उस पर सही से काम किया जाए, क्योंकि दोस्तों पेस्टल बर्ड जो होता है वो हमेशा आपके बर्ड के साइज़ को इम्प्रूव करता है। आपके बर्ड के साइज को इम्प्रूव करने के साथ साथ उसकी ब्लड लाइन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब दोस्तों ये अगली पेयरिंग है, ये है दोस्तों लुटिनो फिशर ऑफलाइन इंटू लुटिनो फिशर ऑफलाइन, यानी कि दोनों ही बर्ड ऑफलाइन हैं, दोनों ही बर्ड फिशर हैं और दोनों ही बर्ड रेड आई में। दोस्तों अगर इन दोनों की हम पेयरिंग करेंगे तो सारे के सारे बच्चे इसी तरीके के आएंगे जैसे इनके माँ बाप हैं, यानी कि सारे बच्चे लुटिनो ऑफलाइन फिशर आएंगे, इसके अलावा कोई और बच्चा नहीं आने का। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब हम रेड इंटू रेड का पेयर लगाते हैं तो हमको सारे ही बच्चे रेड आई मिलते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम रेड इंटू रेड लगा के ब्लैक आई निकाल लें, कभी नहीं होगा ऐसा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली पेयरिंग की। अब दोस्तों ये जो सामने नजर आ रहा है ये है ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो, और दूसरा है हमारा लुटिनो ऑफलाइन फिशर जो कि फीमेल है। दोस्तों अगर हम इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है। दोस्तों अगर इन दोनों की हम पेयरिंग करते हैं तो दोस्तों हमको इसमें मिल सकते हैं लुटिनो ऑफलाइन फिशर, जैसे कि फीमेल है इस तरीके के हमको मेल या फीमेल कुछ भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमको मिल सकते हैं डैक ऑफलाइन जो कि स्प्लिट इनो होंगे, बिल्कुल जैसे येलो है आपके सामने इसी तरीके का होगा लेकिन उसकी आँखें ब्लैक होंगी। इसके अलावा दोस्तों हमको इसमें मिल सकते हैं लुटिनो फिशर रेड आई जो कि स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। इसके अलावा दोस्तों हमको इसमें मिल सकते हैं येलो बुल जो कि स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, स्प्लिट इनो होंगे। दोस्तों इसके अंदर हमको मिल सकते हैं ग्रीन फिशर जो कि स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, स्प्लिट इनो होंगे अगर वो मेल हुए तो। इसके अंदर दोस्तों अगर ग्रीन फिशर की फीमेल आएगी तो दोस्तों वो बिल्कुल भी स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होगी, वो सिर्फ स्प्लिट इनो होगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इसके अंदर येलो बुल की फीमेल आएगी तो दोस्तों वो स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होगी, वो सिर्फ स्प्लिट इनो होगी। इसके साथ साथ दोस्तों हमको इसमें मिल सकते हैं ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो। अगर दोस्तों इन बर्ड का पीछे बैकग्राउंड में कुछ पेस्टल टच है तो दोस्तों इसमें पेस्टल भी आ सकते हैं, फिशर में भी पेस्टल आ सकते हैं और ऑफलाइन में भी पेस्टल आ सकते हैं। वो जितने भी पेस्टल आएंगे सारे स्प्लिट इनो होंगे। दोस्तों जो लुटिनो फिशर या येलो बुल आएंगे वो अगर फीमेल्स होंगी वो स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट इनो होंगी। दोस्तों ये है बिल्कुल लास्ट पेयर, ये सबसे चीप एंड बेस्ट पेयर माना जाता है, सबसे सस्ता पेयर होता है और ये कुछ भी निकाल के दे सकता है आपको। दोस्तों देखने में तो ये नॉर्मल सा ग्रीन फिशर लग रहा है और दूसरा बर्ड ग्रीन ऑफलाइन लग रहा है फिशर में, लेकिन दोस्तों इसकी अगर पेयरिंग देखी जाए तो मेल तो इसमें है ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो और फीमेल है दोस्तों इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो की। दोस्तों अगर इन दोनों की पेयरिंग करी जाए तो हमको क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें हमको मिल सकता है ग्रीन फिशर जो कि अगर मेल हुआ तो स्प्लिट ऑफलाइन होगा और पॉसिबल स्प्लिट इनो होगा। अगर दोस्तों इसमें फिशर में चाहे वो कोई भी फिशर हो, चाहे वो लुटिनो फिशर आए, चाहे वो डैक फिशर आए, चाहे वो ग्रीन फिशर आए, अगर वो फीमेल्स होंगी तो दोस्तों फीमेल कोई भी स्प्लिट ऑफलाइन की नहीं आएगी, अगर मेल उनका यानी कि उनका फादर अगर स्प्लिट ऑफलाइन का हुआ तो दोस्तों वो जितनी भी ब्लैक आई बर्ड आएंगे इन दोनों बर्ड से वो सारे के सारे पॉसिबल में पहुंच जाएंगे स्प्लिट इनो में, कोई भी कन्फर्म स्प्लिट इनो नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों अगर आपको सस्ती पेयरिंग लगानी है तो ऐसा लगा सकते हैं, आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे बर्ड भी मिल सकते हैं। लुटिनो ऑफलाइन तो आपको मिलना ही मिलना है इस बर्ड से, ये बहुत सस्ता मिल जाता है। दोस्तों अगर आपके पास पहले से म्यूटेशन है तो आप इसको एक ही बार में समझ जाएंगे वीडियो को,
अगर दोस्तों आपके पास म्यूटेशन नहीं है और आप इस म्यूटेशन पर आना चाहते हैं तो दोस्तों कम से कम 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, इसकी टेक्निक समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देकर समझा दूंगा। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता ही है, एक प्यारा सा कमेंट बनता है, और दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।